फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आई एम पूनम दुआ एंड विद मी यू आर गोइंग टू कवर अ वेरी फेमस प्ले, द एल्केमिस्ट, रिटन बाय बेन जॉनसन, द ग्रेट रेनेसांस ड्रामाटिस्ट। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। लेट अस स्टार्ट द वीडियो नाउ। जानते हैं द एल्केमिस्ट के बारे में। द एल्केमिस्ट इज अ कॉमेडी बाय इंग्लिश प्ले राइट बेन जॉनसन, जिसका कि सबसे पहले परफॉर्मेंस 1610 में किया गया था, एंड इट इज जनरली कंसिडर्ड जॉनसन्स बेस्ट एंड मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक कॉमेडी। इवन एस टी कॉलरिज ने इसके बारे में लिखा था कि दिस इज वन ऑफ द थ्री मोस्ट परफेक्ट प्लॉट्स इन लिटरेचर। ये हैं वो तीन प्लेस जिसको कि एस टी कॉलरिज ने बहुत ही परफेक्ट कहा है, परफेक्ट प्लॉट्स। सोफोक्लीस, ईडिपस, ईडिपस रेक्स, जॉनसन्स, द एल्केमिस्ट एंड फील्डिंग्स, टॉम जोन्स। बात करते हैं बेन जॉनसन के बारे में। बॉर्न 1572, डाइड 1637। ही इज द वन हु पॉपुलराइज द टर्म कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स अपने आप में एक जॉनरा है, जॉनरा ऑफ ड्रामा, जॉनरा ऑफ प्लेस। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। ही इज बेस्ट नोन फॉर सटायरिकल प्लेस एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, वोल्पोनी और द फॉक्स, द एल्केमिस्ट, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, एंड बार्थोलोम्यू फेयर 1614 का प्ले है ये। एल्केमिस्ट की बात करते हैं। इट इज अ कॉमेडी बाय इंग्लिश प्ले राइट बेन जॉनसन, जो कि फुलफिल करती है तीन क्लासिकल यूनिटीज को, और वो यूनिटीज हैं यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। विविड डिपिक्शन ऑफ ह्यूमन फॉली हैज बीन शोन इन दिस। ह्यूमन बींग्स गलतियां करते हैं, किस तरीके की गलतियां ह्यूमन बींग्स करते हैं, और अपने कंटेम्प्रेरी टाइम पर, उस टाइम पर लोग किस तरीके के हुआ करते थे, उसका एक विविड डिस्क्रिप्शन दिया गया है इस पर्टिकुलर प्ले में। क्लासिकल यूनिटीज के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। हम कहानी समझना शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है लवविट नाम के कैरेक्टर से, ही इज लवविट, और दिखाया जाता है कि एट प्रेजेंट लंदन में प्लेग फैला हुआ है। प्लेग इज अ डिसीज। एन आउटब्रेक ऑफ प्लेग इन लंदन फोर्सेस अ जेंटलमैन लवविट टू फ्ली टेम्पोरेरली टू द कंट्री। तो लवविट जी यहाँ से चले जाते हैं और अपना घर अपने बटलर के हाथों में सौंप जाते हैं, जिसका कि नाम है जेरेमी। ही लीव्स हिज हाउस अंडर द सोल चार्ज ऑफ हिज बटलर जेरेमी। जेरेमी एक्चुअली में एक कॉनमैन है, जो कि अपने आप को कैप्टन फेस का नाम देकर अपने कॉन्स प्रैक्टिस किया करते हैं, और लोगों को फूल बनाना, लोगों को ठगना, ये उनका एक प्रोफेशन है, साइड प्रोफेशन यू कैन से। जेरेमी यूजेस द अपॉर्चुनिटी गिवन टू हिम टू यूज द हाउस एज द हेडक्वार्टर्स ऑफ हिज फ्रॉडुलेंट एक्ट्स। तो अपने उस एक्ट्स के लिए उस घर को बहुत अच्छा एक हेडक्वार्टर बना लेते हैं। ही ट्रांसफॉर्म्स हिमसेल्फ इंटू कैप्टन फेस एंड एनलिस्ट द एड हेल्प ऑफ अ फेलो कॉनमैन, जिसका कि नाम सटल दिया गया प्ले में, और एक प्रोस्टिट्यूट जिसका कि नाम है डॉल कॉमन। जेरेमी, सटल, डॉल कॉमन। ने अपने आप को नाम दिया है कैप्टन फेस, और इस प्ले की जब शुरुआत होती है तो वी गेट टू सी अ वॉयलेंट आर्ग्यूमेंट बिटवीन कैप्टन फेस एंड सटल। अ वॉयलेंट आर्ग्यूमेंट बिटवीन सटल एंड फेस कंसर्निंग द डिविजन ऑफ द रिचेस विच दे हैव एंड विल कंटिन्यू टूगेदर, कि अपने लूट के पैसे को कैसे डिवाइड किया जाएगा, उस बात पर दोनों में लड़ाई हो रही है। डॉल आती है और दोनों को छुड़ाती है। डॉल ब्रेक्स द पेयर अपार्ट एंड रीजंस विद देम दैट दे मस्ट वर्क एज अ टीम इफ दे आर टू सक्सीड। इन कॉनमैन का फर्स्ट कस्टमर है डैपर, जो कि एक लॉयर के यहाँ क्लर्क का काम करता है, और डैपर की इच्छा है कि उसको एक स्पिरिट दे दी जाए, जिसको कि वो फेमिलियर कहता है, कि मुझे एक स्पिरिट दे दी जाए फेमिलियर, जिसको कि मैं यूज कर सकूं अपने गैम्बलिंग एक्शंस में। और ये जो दोनों कॉनमैन है उसको सजेस्ट करते हैं कि हाँ, हम आपको दे देंगे, लेकिन आपको एक फेरी क्वीन के ब्लेसिंग्स की जरूरत है उसके लिए। यू नीड टू विन द फेवर ऑफ क्वीन ऑफ फेरी, बट ही मस्ट सब्जेक्ट हिमसेल्फ टू सम रिचुअल्स। तुम्हें कुछ रिचुअल्स करनी होंगी, कुछ रीति रिवाज फॉलो करने होंगे, जिसके बाद ये क्वीन तुम्हें अपना आशीर्वाद देंगे और यू विल गेट दिस पावर टू विन एवरी टाइम इन योर गैम्बलिंग एक्शंस। तो ये दोनों इसको बताते हैं कि तुम थोड़ी देर बाद वापस आना, एंड ही मस्ट कम्प्लीट द रिचुअल्स, सम रिचुअल्स, एंड डैपर मस्ट कीप फास्ट एंड प्लेस थ्री ड्रॉप्स ऑफ विनेगर इन हिज नोज। उसको अपनी नोज में विनेगर की तीन ड्रॉप्स डालनी है, दो ड्रॉप्स अपने मुंह में डालनी है, एक एक ड्रॉप अपनी आंखों में डालनी है, टिप्स ऑफ फिंगर्स को वॉश करना है, उसके बाद हमिंग करनी है, बजिंग करनी है तीन तीन बार। डैपर इन सब रिचुअल्स के लिए अग्री हो जाता है और इमीडिएटली अपने घर की तरफ भागता है।
इनका नेक्स्ट कस्टमर है एबेल रगर नाम का एक पर्सन जो कि एक लोकल शॉपकीपर है हु कम्स टू सटल के पास आता है लुकिंग फॉर एडवाइस ऑन हिज न्यू बिजनेस ही आस्क सटल वेयर ही शुड प्लेस हिज स्टोर इन शेल्स एंड हाउ ही शुड डिस्प्ले द मर्चेंडाइज टू गारंटी सक्सेस बेसिकली हिंदी में अगर कहें तो वास्तुशास्त्र की जानकारी के लिए सटल के पास आता है सटल टेल्स रगर दैट हिज न्यू बिजनेस शुड फेस साउथ एंड दैट ही शुड प्लेस अ मैग्नेट अंडर द थ्रेशोल्ड ऑफ हिज डोर टू अट्रैक्ट बिजनेस तो कुछ अलग अलग तरीके के उपाय बताता है जिस पर रगर यकीन कर लेते हैं बिल्कुल उसके बाद रगर को ये भी बताया जाता है कि वो बहुत लकी हैं और इवन सो लकी दैट ही माइट इवन कम इनटू पोजीशन ऑफ द फिलोसोफर्स स्टोन फिलोसोफर्स स्टोन से हमारा मतलब है एक रेयर अल्केमिकल सब्सटेंस दैट इज सेड टू टर्न बेस मेटल्स इनटू गोल्ड and it produces all the solutions of life which promises eternal youth and life और इसी को projection भी कहा जाता है so projection basically used to be the ultimate goal of western alchemy you can say black magic one of the philosopher's stone or powder of projection had been created and the process of projection would be used to transmute a lesser substance into higher form जैसे कि लोहे को सोने में बदल देना इस तरीके की चीजें बोली जाती थी philosopher's stone या फिर प्रोजेक्शन इसके बाद आते हैं सर एपिक्योर मेमन अपने एक फ्रेंड सली के साथ मेमन बिलीव्स दैट सटल इज बिजी क्रिएटिंग द फिलोसोफर्स स्टोन फॉर हिम एंड मेमन हैज बीन टॉकिंग अराउंड टाउन एज इफ ही ऑलरेडी हैज इट तो मेमन जी को भी फिलोसोफर स्टोन बनवाना है और उन्होंने तो अपने टाउन में बातें भी करना शुरू कर दिया है कि आई एम इन पोजिशन ऑफ दिस काइंड ऑफ स्टोन सो विद दिस स्टोन मेमन विल्स टू ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ इनटू अ रिच मैन एंड ही विल क्योर द सिक एंड स्टॉप द प्लेग इन इट्स ट्रैक्स नेक्स्ट जो लोग आते हैं यहाँ पर उनका नाम है सर एपिक्योर मेमन ही अराइज नेक्स्ट अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड सली Memon believes that Satel is busy creating the philosopher's stone for him. Memon ji ko bhi wahi philosopher's stone chahiye aur itni need hai unhe iski ki unhone to time apne town mein ye project karna bhi shuru kar diya hai ki mujhe aisa stone mil gaya I'll soon be transforming lower substance into higher substance and Memon will transform himself into a rich man and he also wishes to cure plague in the city. सली हाउएवर थोड़े से प्रैक्टिकल पर्सन है वो बिलीव नहीं करते इन मैजिकल पावर्स में फिलोसोफर स्टोन में और उनको लगता है कि ये दोनों पर्सन जो है कौन है हाउएवर मेमन जी पूरे कन्विंस्ड है दैट दे आर लेजिटिमेट एंड फेस ग्रीट्स देम इसके बाद फेस जी यहाँ पर आते हैं और उनको ग्रीट करते हैं बहुत ही अच्छे से और कहते हैं कि सटल इज बिजी इन क्रिएटिंग दैट प्रोजेक्शन फॉर यू अब सटल जी की एंट्री होती है यहाँ पर ही एंटर्स एंड टेल्स मेमन टू गो होम घर जाइए और अपने सारे बेस मेटल्स को यहाँ पर लेकर आइए मेटल आयरन व्हाट सो एवर जो कि आपको प्रोजेक्शन के लिए चाहिए किसी हायर सब्सटेंस में कन्वर्ट करवाना चाहते हो सली ट्राइज अगेन टू टेल मेमन दैट फेस एंड सटल आर कॉन मैन बट मेमन इज डिस्ट्रैक्टेड बाय डॉल मेमन जी का दिल डॉल को देखते ही डॉल पर आ जाता है हु हैज जस्ट वॉक्ड बाय मेमन सीम्स टू बी अ वुमेनाइजर हियर वुमेनाइजर टू ऑडियंस एंड डेफिनेटली वॉन्ट्स टू meet her when he comes back. Sally tells Memon that doll is clearly a prostitute but Memon is not ready to hear anything. अब दरवाजे पर दोबारा से नॉक होता है अब देखते हैं कौन आया देर इज अ नॉक एट द डोर एंड अनानायस जो कि एक एनाबैप्टिस्ट हैं मेंबर ऑफ अ रेडिकल प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन ये आए हैं यहाँ पर टू बार्टर फॉर मेमन्स मेटल एंड आयरन एंड ही एंटर्स एंड अनानायस इज नॉट इम्प्रेस्ड विद सटल एंड फेसेस फैंसी साइंटिफिक काइंड ऑफ लैंग्वेज और वो कहते हैं कि तुम दोनों हीथन्स हो यानी कि तुम दोनों एथीस्ट हो सटल आस्क अनानायस इफ ही हैज ब्रॉट एनी मनी बट अनानायस says that he and his brethren unko aur unki community ke kuch log will give subtle no more money until they see the projection sabhi log yahan par projection ke liye aaye hain aur Ananias ji ye chahte hain ki pehle unhe projection dikhaya jaye fir wo money denge subtle angrily kicks Ananias out claiming he will only negotiate with Ananias senior member of his sect तो सटल जी इनको यहाँ से बाहर कर देते हैं और कहते हैं कि हम तुमसे बात नहीं करेंगे अब हम तुम्हारे किसी सीनियर मेंबर से ही बात करेंगे इन द फ्यूचर अब हमें स्टेज पर दिखाया जाता है कैप्टन फेस और एबेल रगर को एबेल रगर कैप्टन फेस को बताते हैं कि टाउन में एक रिच विडो आई हुई है जिसका नाम है डेम प्लायंट अपने ब्रदर के साथ आई है जिसका नाम है कैस्ट्रल और कैस्ट्रल जी ढूंढ रहे हैं अपनी सिस्टर के लिए एक हस्बैंड जो कि बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक पर्सन हो तो ये सुनते ही सटल और फेस आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं बोथ सटल एंड फेस इन देयर ग्रीड एंड एम्बिशन सीक आउट टू विन द विडो
आप लोगों को याद होंगे एनानियस नाम के कैरेक्टर जिसको थोड़ी देर पहले किक आउट कर दिया था कैप्टन फेस और सटल ने, और बोला था कि अपने किसी सो कॉल्ड हायर मेंबर के साथ आना। तो अब ये लेकर आए अपने साथ ट्रिपुलेशन को, और अब ये डिमांड कर रहे हैं उन गुड्स की जिनके लिए एक्चुअली ये आए थे यहाँ पर। वो गुड्स एक्चुअल में मेमॉन से बिलोंग करते हैं, मेमॉन उन गुड्स को छोड़कर गए थे यहाँ पर गोल्ड में कन्वर्ट करवाने के लिए, लेकिन कैप्टन फेस और सटल उन्हीं गुड्स को बेच रहे हैं एनानियस और ट्रिपुलेशन को। अब फिर से दरवाजे पर नॉक हुई है, और इस बार कौन है? इस बार है डेपर। फिर से देयर इज अ नॉक एट द डोर एंड डॉल सेज इट इज डेपर हु हैज रिटर्न फॉर हिज फेमिलियर। डेपर जी को हमने भेज दिया था ना कुछ रिचुअल्स पूरी करने के लिए। एंड फेस टेल्स डॉल टू पुट ऑन हर फेरी क्वीन डिस्गाइज एंड गेट रेडी। इन दोनों को कैप्टन फेस और सटल ने डॉपलर को वापस भेजा था ये कहकर कि तुम्हें फेरी क्वीन का आशीर्वाद मिलेगा, और फेरी क्वीन अभी सोकर नहीं उठी है। तो अब ये डॉल को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि अपने आप को फेरी क्वीन की तरह ड्रेसअप कर लो, गेट रेडी। एंड इन द मीनवाइल सटल एंटर्स ड्रेस एज अ प्रीस्ट ऑफ फेरी एंड टेल्स डेपर ही मस्ट एम्प्टी हिज पॉकेट्स ऑफ ऑल वैल्यूएबल्स बिफोर ही मीट्स क्वीन एंड ब्लाइंड फोल्ड हिम। तो इसको बोला जाता है अब डेपर जी को कि क्वीन ऑफ फेरी से मिलने से पहले तुम्हारी जेब में जो कुछ भी है वैल्यूएबल उसको खाली कर दो, और तुम ब्लाइंड फोल्ड हो जाओगे तभी क्वीन ऑफ फेरी से मिल पाओगे। तभी एक और नॉक होती है दरवाजे पर, इस बार है मेमॉन। सडनली देयर इज अनदर नॉक एट द डोर, इट इज मेमॉन। एंड सिंस फेस और सटल चाहते हैं कि टेपर और मेमॉन एक साथ एक दूसरे से ना मिलें ताकि हमारे कौन के बारे में इन्हें पता ना चल जाए, ये लोग टेपर को जल्दी से कहीं पर छुपा देते हैं। तो मेमॉन जी हैं दरवाजे पर, मेमॉन इज इंट्रोड्यूस टू डॉल, और इस बार वो थोड़े से फ्री हैं, अपने स्केप्टिक फ्रेंड सली के साथ नहीं आए हैं। ही हैज बीन टोल्ड अबाउट डॉल बाय कैप्टन फेस एंड सटल दैट शी इज अ नोबल मैन सिस्टर, बड़े ही नोबल इंसान की सिस्टर हैं वो, एंड शी हैज गॉन मैड। लेकिन इस बात का कोई असर नहीं होता मेमॉन जी पर, ही इज नॉट पुट ऑफ एंड ही पेज टू मेनी कॉम्प्लीमेंट्स टू हर, एक्स्ट्रावेगेंट कॉम्प्लीमेंट्स टू हर। अब आते हैं वो ब्रदर एंड सिस्टर केस्ट्रेल एंड डेम, जिसके बारे में ड्रागर जी ने बताया था। केस्ट्रेल एंड सिस्टर केम एंड द विडो डेम शी कैप्टिवेट्स बोथ फेस एंड सटल एंड दे क्वेरल ओवर हु इज टू हैव हर। सली की एंट्री होती है, बट सली इज नॉट अ पर्सन जो सिर्फ एक सीन में आकर रह जाएंगे। ही रिटर्न्स एंड ही इज डिस्गाइज्ड एट प्रेजेंट एज अ स्पैनिश नोबलमैन। फेस और सटल इन दोनों को लगता है कि इसको इंग्लिश तो आती नहीं होगी। फेस एंड सटल बिलीव दैट दी स्पेनियर्ड स्पीक्स नो इंग्लिश एंड दे इंसल्ट हिम इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्दो ही इज अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। दे ऑल्सो बिलीव दैट ही हैज कम फॉर अ वुमेन, उनको ऐसा लगता है कि कोई स्पेनिश पर्सन है जो किसी फीमेल के लिए आया है, लेकिन डॉल तो एट प्रेजेंट बिजी है, तो अब वो क्या करें, किस फीमेल के साथ इसकी एंटरटेनमेंट करें। बट डॉल इज एल्सवेयर बिजी इन द बिल्डिंग एंगेज विद मेमॉन, सो फेस हैज दी थॉट ऑफ यूजिंग डेम प्लांट। तो वो कहते हैं कि डेम प्लांट नाम की फीमेल भी तो है हमारे पास, वो भी इसको प्रेजेंट की जा सकती है। डेम प्लांट के पास जाते हैं वो और उससे बात करते हैं। शी इज रिलक्टेंट टू बिकम अ स्पैनिश काउंटेस बट इज विगरसली परस्यूएडेड बाय हर ब्रदर टू गो ऑफ विद सली। तो डेम का ब्रदर उनको परस्यूएड करता है कंटिन्यूअसली टू गो विद दैट स्पैनिश पर्सन एंड शी अग्रीज। तो इसके बाद डेम और सली दोनों गार्डन में चले जाते हैं टू गेट टू नो ईच अदर। सो हमारे स्टेज पर एट प्रेजेंट है फेस केस्ट्रल एंड सटल, और ये तीनों ही एग्जिट हो जाते हैं, और इसके बाद एंटर होते हैं स्टेज पर डॉल एंड मेमॉन। डॉल इज रैंटिंग एंड रेविंग इन एन एक्यूट बाउट ऑफ इंसेनिटी। डॉल अपने आप को ऐसे प्रोजेक्ट करती है जैसे कि वो कोई मैड वुमेन है, एंड मेमॉन इज अनेबल टू काम हर डाउन। मेमॉन पूरी कोशिश करते हैं कि काम डाउन करें डॉल को, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहते हैं। इसके बाद फेस जी इनके पास आते हैं और डॉल को ऑर्डर करते हैं कि वो इस रूम से चली जाए। डॉल एग्जिट्स ऑफ द रूम एंड देयर कम्स सटल हु इज एंग्री दैट मेमॉन हैज ऑब्वियसली बिहेव्ड लस्टफुली विद डॉल। और ये दोनों मिलकर मेमॉन को ही डांटना शुरू करते हैं कि तुमने किसी तरीके से कुछ लस्टफुल बिहेव किया होगा जिसकी वजह से डॉल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। ही क्लेम्स मेमॉन्स बिहेवियर विल सेट प्रोजेक्शन बैक एटलीस्ट अ मंथ। और मेमॉन को कहते हैं कि तुमने गलत बिहेव किया, इस वजह से जो तुम्हारा प्रोजेक्शन है जो तुम्हारे लिए मैजिकल पावर बनने वाली है वो एक महीना डिले हो जाएगी। देयर इज अ लाउड एक्सप्लोजन फ्रॉम द अदर रूम, और इसी मीनवाइल दूसरे रूम में एक बहुत ही लाउड सा एक्सप्लोजन होता है एंड फेस रशेज इन क्लेमिंग द स्टोन हैज बर्स्ट इनटू फ्लेम्स। और
फेस एकदम से आकर कहता है कि वो स्टोन एकदम बर्स्ट हो गया है बिकॉज ऑफ द बिहेवियर ऑफ मेमोन. देर इज नथिंग टू बी स्पेयर्ड, फेस सेज एंड मेमोन लीव्स कन्विंस्ड हिज सिनफुलनेस हैज कॉस्ट हिम द स्टोन. मेमोन जी वहां से चुपचाप चले जाते हैं और उनको यकीन हो जाता है कि मेरे सिन की वजह से ऐसा हुआ है. अब देखते हैं ये दोनों लोग क्या बात करें, सली एंड डेम. सली टेल्स डेम इन द मीन वाइल दैट सटल एंड फेस ये दोनों कॉनमेन हैं. सडनली क्या होता है, डॉल एकदम से कहती है कि फेस के जो मास्टर हैं लवविट, जो कि लंदन से बाहर गए थे प्लेग की वजह से, ही हैज रिटर्न एंड इज स्टैंडिंग आउटसाइड. ये सुनते ही कैप्टन फेस जी अपने दोनों साथियों सटल और डॉल को कहते हैं कि अपना अपना सामान पैक करो और यहां से निकलना पड़ेगा. और ये बोलते ही कैप्टन फेस अंदर चले जाते हैं शेव करने के लिए. बाहर खड़े होकर लविट अपने नेबर से घिरे हुए, लविट इज टॉकिंग टू द नेबर्स हु सेज अ स्टेडी स्ट्रीम ऑफ पीपल हैव बीन इन एंड आउट ऑफ हिज हाउस ऑल मंथ. पूरे महीने जाने कितने कितने लोग इस घर में आते जाते रहे. लविट उन लोगों से पूछते हैं कि मेरा बटलर जेरेमी कहां पर है, लेकिन किसी ने उसे देखा नहीं है. उसके बाद लविट जी अंदर जाते हैं, अंदर जाकर देखते हैं कि उनका बटलर जेरेमी वहीं पर प्रेजेंट है. लविट गोज इनसाइड एंड इज ग्रीटेड बाय फेस हु सिंस having shaved looks again like Jeremy the butler, and he tells Lovett that he has kept the house locked up because of the plague. और लविट जी को जेरेमी बताते हैं कि मैंने तो घर को लॉक रखा था प्लेग की वजह से. द हाउस मस्ट हैव बीन ऑक्यूपाइड बाय क्रिमिनल्स इन हिज एब्सेंस फेस सेज. कहते हैं कि जरूर यहां पर कुछ ना कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज चल रही है मेरी और आपकी दोनों की एब्सेंस में. सडनली फेस के सभी विक्टिम्स एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं. फेसेस विक्टिम्स मेमोन, सली, कैस्ट्रल दोनों इनएबिलिटीज़, और डिमांड करते हैं उन रॉक्स की जिन्होंने उन्हें ट्रिक किया. इसी बीच में डैपर जी जो कहीं छिपे हुए थे वो भी अपने हिडन प्लेस से बाहर आ जाते हैं. अब तक जेरेमी को यह पता चल चुका है कि उनके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है. जेरेमी कैन नो लॉन्गर मेंटेन हिज लाइज एंड ही प्रोमिसेस लविट दैट इफ ही पार्डन्स हिम. लविट जी को कहते हैं कि अगर आप मुझे माफ कर दें तो मैं आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल विडो से मिलवाऊंगा. आई विल हेल्प यू ऑब्टेन अ रिच विडो टेम प्लांट. बात करते हैं डैपर जी की. डैपर जी जो कि अपने हिडन प्लेस से अभी अभी बाहर आए हैं, उनको कुछ नहीं पता यहाँ पर क्या कौन चल रहा है. ही इज स्टिल इंटरेस्टेड कि मुझे तो अपनी फेरी क्वीन चाहिए ही चाहिए. सो फेस सटल एंड डॉल क्विकली पुल वन लास्ट स्कैम. एक लास्ट स्कैम करते हैं. डॉल अपने आप को डिस्गाइज कर लेती है एज दी क्वीन एंड शी गिव्स डैपर अ बर्ड फॉर गुड लक एंड प्रोमिसेज टू लीव हिम ट्रंक्स फुल ऑफ ट्रेजर एंड सम 12,000 एकर्स ऑफ फेरी लैंड. डैपर जी एग्जिट हो जाते हैं वहां से जस्ट एज दी पुलिस अराइव्स. फेस जी अपनी एक लास्ट ट्रिक खेलते हैं. उन्होंने बहुत सारे लोगों को कॉन किया है तीनों ने मिलकर, और उनके पास काफी पैसे भी उनसे कॉन किए गए. फेस टेल सटल एंड डॉल दे मस्ट लीव बिफोर दे आर अरेस्टेड. तुम दोनों यहां से चले जाओ अरेस्ट होने से पहले. लविट ने सिर्फ मुझे पार्डन किया, सिर्फ मुझे माफ किया, लेकिन तुम दोनों को नहीं किया. एंड देर इज नो टाइम फॉर देम टू टेक देयर प्रॉफिट. इतना भी टाइम नहीं है तुम लोगों के पास कि अपना कॉन किया हुआ पैसा तुम ले जा सको. डॉल और सटल गुस्सा तो बहुत होते हैं लेकिन दे हैव नो ऑप्शन. दे लीव एंग्रीली हैविंग बीन ट्रिक्ड एंड रॉब्ड बाय फेस. Lovett convinces the police that the criminal conman broke into his house in his absence. अंत में Lovett जी ऑडियंस की तरफ देखते हैं और कहते हैं he is very happy with his new wife, Dame Plant. और फेस जी भी ऑडियंस की तरफ देखते हैं और कहते हैं he is happy to get off clean from his crimes and ready to invite new guests. Let us understand the basic themes of this play, deception and gullibility. Deception and gullibility are the very themes of Ben Jonson's The Alchemist. The play is based on two con men, in fact three, Fay, Settle and Doll, who use deception to deceive and trick gullible Londoners into believing they are experts of alchemy in possession of philosopher's stone. Aur har koi unki baat badi hi aasani se maan bhi leta hai. I hope you liked the video. Please put your valuable feedback in comment. Take very good care of your health. Study thoroughly and best of luck for your exams.